अहम खबर देंगे आपको। महाजिर कौमी मूवमेंट आज बागे जुना कराची में सियासी कुव्वत का इजहार करेगी। आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। पिंडाल सजा दिया गया है। जलसे से चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे के लिए 80 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। जलसगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी और पार्टी रजाकार तैनात हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम किए गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट आज बागे जिना कराची में सियासी कुव्वत का इजहार करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद बताइएगा क्या इंतजामात देख रहे हैं। देखिए जिस तरह कराची की जो सियासत है इसमें हलचल पैदा हो गई है। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने जो है वो बागे जिना में आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का जो है वो आज़म कर लिया है। इसी हवाले से जलसागाह की तैयारियां की जा रही थी। शहर भर में जो है वो इस्तकबालिया कैंप कायम किए जाते हैं जबकि जलसागाह जो है वो सजा दी गई है। पंडाल सजा दिया गया है। हजारों कुर्सियां जो है जलसागाह के पंडाल में जो है वो लगा दी गई है। 80 फुट चौड़ा और जो 80 फिट लंबा और 40 फिट चौड़ा जो स्टेज है वो तैयारी के आखिरी मराइल में है। रजाकार जो है महाजिर कौमी मूवमेंट के वो पंडाल में आफाक अहमद जो है आज के जलसे से कलीदी खिताब करेंगे और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आज के जलसे में वो कराची की सियासत के हवाले से अहम लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।